गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 लेसन 2 है हिंदी में, गुरु महाराज का आगमन, अराइवल ऑफ गुरु महाराज। यहाँ पर लेखक ने एक बचपन की अपनी एक कहानी सुनाई है। मैं इस पूरे पाठ को नहीं पढ़ रहा, केवल सारांश सारांश आपको बताई दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर में बताई दे रहा हूँ। लेखक कह रहा है उसका एक मित्र था, उसका नाम लल्लू था। लेखक के मित्र का नाम लल्लू था। उसके पिता एक धनी गृहस्थ थे। कई साल पहले पुराना घर तोड़वाकर तिमंजला इमारत बनवाई। अर्थात जो लेखक का मित्र था उसका नाम लल्लू था। लल्लू के पिता धनवान थे, उन्होंने वह पुराना घर तोड़वा करके एक 3 मंजिला अपना घर बनवाया। लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि गुरु महाराज को उसमें ला करके उनके चरणों की रस से अपने घर को पवित्र करें। एक दिन गुरु महाराज आ गए, लेकिन उस दिन जो मौसम बड़ा ख़राब था। ख़राब मौसम की वजह से थोड़ा गुरु महाराज रात को जो है थके हारे खा पी के पंख पर लेट जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग गुरुदेव बिछाने पर लेट गए। प्रसन्न से तो गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदादी को अनेक आशीर्वाद दिए। आधी रात में अकस्मात उनकी नींद खुल गई। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तौंद तर हो रही थी। ओह, वो पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ा कर वह पलंग से उठ पड़े। अर्थात जो गुरु जी आए थे वहाँ से बाहर से, उस दिन मौसम ख़राब था। मौसम ख़राब होने से फिर भी वो जो घर पर आ गए, उनका जो पलंग पर आराम से खुश होकर लेट गए, लेकिन रात को उनके ऊपर जो है पानी टपकने लगा। अब जो जिसमें सो रहे थे वो निवाड़ की पलंग थी, और वो पलंग को उन्होंने जो है आगे पीछे कोने से इधर से उधर खिसकाया, और वो जहाँ भी खिसकाते उधर उधर पानी टपकने लगता। अब वो इस बात से बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने अपना जो है बिस्तर बिस्तर देखा, काफ़ी गीला हो चुका था, और वहाँ से वो जो है दूसरी अपने बरामदे में चले गए। बरामदे में जैसे ही पहुँचे वहाँ बहुत सारे मच्छर आ गए। मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। मच्छरों ने काटा तो और गुरु जी बहुत गुस्सा होने खिसियाने लगे। उन्होंने जो है बार बार अपने गमछे से इधर उधर मच्छरों को उड़ाया। तब तक जो है सुबह के करीबन 4 बज गए। अब गुरु जी इतना थक गए थे कि वो एक कोने में चुपचाप से पड़े रह गए, और पड़े पड़े उनको गहरी नींद आ गई। अब सवेरे नंदरानी, जो लेखक की जो लल्लू था उसकी जो है माता थी, नंदरानी नाम था, वो उन्होंने देखा कि गुरु जी कहाँ हैं। सुबह उठ के ऊपर आई तो उन्होंने देखा गुरुजी का पलंग दक्षिण में बिछा था। अब वो कहाँ पहुँच गया? उत्तर में पहुँच गया। उन्होंने बार बार गुरुजी पुकारा, गुरुजी उन्हें कहीं मिले नहीं, गुरुजी मिले नहीं। उन्होंने बाहर जाके देखा, लेकिन एक बरामदे में कोने में गुरुजी ज़मीन पर बेचारे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने गुरुजी को जगाया, गुरुजी से बड़ी अनुनय विनय की। उन्होंने समझाया कर अंदर घर में लाए, और घर में ला करके गुरुजी ने सारी बात पूछी गुरुजी से कि क्या हुआ गुरुजी रात में। तो गुरुजी ने कहा कि घर तो तुम्हारा 3 मंजिला बना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की छत खुली है, इसलिए छत में से जो है पानी गिरता है, और रात भर पानी गिरता रहा और मैं सो नहीं पाया। बाहर बरामदे में ले गया तो मच्छरों ने सोने नहीं दिया। लेकिन तब नंदरानी ने कहा कि घर तो 3 मंजिल बना हुआ है, और आप घर की 1ली मंजिल पर हैं, आपसे ऊपर 2 मंजिलें और हैं। अगर पानी पड़ता तो 1ली मंजिल में पानी आता, 2री पाता, 3री पानी कैसे आ गया? उन्होंने सोचा जरूर किसने शरारत कर दी है। तो फिर जैसे ही शरारत का नाम याद आया, उन्हें अपने बेटे लल्लू की याद आ गई कि उन्होंने लल्लू ने ही जरूर ये कारिस्तानी करी होगी। वो दौड़ के कमरे में गई, कमरे में देखा उन्होंने पूरा बिछौना गीला था। ऊपर नए डाली तो मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। अर्थात उन्होंने छत के नीचे और जमीन से ऊपर एक मसहरी ऐसी बांध दी थी, और उसमें बर्फ़ बांध दी थी। किसने? वो लल्लू ने। तो बर्फ़ से जो है चारों पूरे कमरे में पानी टपक रहा था, और वो टपक टपक के कहाँ रहा था? गुरुजी के ऊपर, जिससे गुरुजी परेशान हो गए थे रात को। तो ये उसने उनके बच्चे लल्लू ने उनके साथ गुरुजी के साथ मजाक कर दिया था। तो अब नंदरानी को लल्लू पे बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जाओ कहाँ हो, देखो दुष्ट कहाँ गया है, और तुम सारे अपने नौकरों को उन्होंने ढूंढने पर लगा दिया। वो कुछ समय तक गुस्सा करती रही उनकी माँ लल्लू की माँ नंदरानी, वो कहीं मिला नहीं। बाद में उन्होंने गुरुजी को थोड़ा सा समझाया, गुरुजी भी जो है अपना आराम से थोड़ा शांत हो गए। लेकिन तभी किसी नौकर ने आके बोल दिया कि गुरुजी तो जो वो लल्लू तो जो है अपनी मौसी के यहाँ पर खाना खा रहा है, घर पर बैठ के पेट पूजा कर रहा है। तो गुरुजी उसकी मूर्खता पर थोड़ा सा हंसने लगे, अपनी मूर्खता पर, यानी हम ही परेशान होते रहे, हम रात को ही देख लेते तो हमें परेशान नहीं होना पड़ता। पर लल्लू की माँ बहुत गुस्सा हुई लल्लू पर, उन्होंने 15 दिन तक लल्लू को घर की चौखट पर पैर नहीं रखने दिया। तो ये पूरे एक चैप्टर की समरी है।
और इस समरी को आपको केवल समझना है, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा अगले में। थैंक यू।